आपकी माताएं और आपकी बहनें आप उन्हें वस्तुओं में बदल रहे हैं आपको इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूं वो कितने विकृत बन गए हैं ये नैतिकता का मामला नहीं है ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है अब वो कहने लगे हैं कि महिलाओं के लिए भी ये सब देखना फैशन है आप सबसे बेवकूफी वाली चीजें कर रहे हैं उस महिला पर अपनी माँ का चेहरा लगाकर देखिए मुझे लगता है आप समझ जाएंगे नमस्कारम सदगुरु ऐसा लगता है अश्लील वीडियो देखना कैसे रोकें ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला सवाल है मेरे कुछ पूर्व सहपाठी हैं जिन्हें इसकी लत लग गई थी जिससे उनका जीवन औंधे मुंह गिर गया लोगों को लत क्यों लग जाती है और वो कैसे इससे आसानी से बाहर आ सकते हैं देखिए अश्लील वीडियो का मतलब सेक्सुअलिटी नहीं है ये एक तरह की बीमारी है जिसे आप पनपने दे रहे हैं जब मैं कहता हूं बीमारी सेक्सुअलिटी बीमारी नहीं है ये हमारे जन्म का हिस्सा है हम इसकी वजह से यहां हैं। हम यहां इसके लिए नहीं हैं। हम यहां इसकी वजह से हैं हमारा जन्म इससे हुआ है तो ये बस सही या गलत का सवाल नहीं है यह बस ऐसे है बाकी जानवरों के लिए प्रकृति उनकी कामुकता को नियंत्रित करती है क्योंकि उनकी कामुकता मौसम से जुड़ी है बाकी समय उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन नर है कौन मादा है हेलो तो प्रकृति उन्हें नियंत्रित करती है आपको क्या लगता है क्यों ये नियंत्रण प्रकृति ने आप पर नहीं किया क्योंकि इसने भरोसा किया कि आपके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है लेकिन आप यह साबित करने में लगे हुए हैं कि आपके पास <laughs> वो नहीं है हा क्योंकि कम उम्र में अगर आप ये चीजें देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलेगा तो इस प्रक्रिया में मैं कहूंगा महिलाओं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन चीजों को रोकने की जरूरत है क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है और अब वो कहने लगे हैं कि महिलाओं के लिए भी ये सब देखना फैशन है कोई कह रहा है कि ये सेक्स एजुकेशन है नहीं नहीं ये इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई या जो संघर्ष महिलाओं को झेलना पड़ा उसकी वजह से एक हद तक शारीरिक स्वतंत्रता अगर आप मनुष्य बनना चाहती हैं तो आपको इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए सड़कों पर नहीं आप जहां भी ये देखें आपको इसे वहीं रोक देना चाहिए आपको समझना चाहिए ये किसी के आनंद किसी के मजे किसी के उपभोग के बारे में नहीं है यह महिला को खिलौना बनाकर आपको वस्तु की तरह पेश करने के बारे में है अगर महिलाएं इसका जिम्मा नहीं उठाती हैं तो इतनी अक्ल अभी तक पुरुषों को नहीं है जब तक वो ऊपर नहीं उठते हैं जब तक वो ऊपर नहीं उठते हैं हाँ और खासकर मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूं कम उम्र में ही वो इन चीजों में पड़ गए और कितने विकृत बन गए हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक रिश्ते बनाने के लिए खुद के भीतर वो कितना भुगत रहे हैं वो इतनी बुरी हालत में है कि मैं आपको ये सब बताना भी नहीं चाहता ये चीजें उन्होंने मुझे बताई हैं उस वजह से उन्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी क्योंकि उन्हें छोटी उम्र में ही इस चीज की लत लग गई तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए आपको यह समझना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकृति ने आपको एक विशेष बंधन से मुक्त किया है यह सोचकर कि आप एक जागरूक जीवन हैं आप हर चीज जागरूकता से करेंगे इसका मतलब यह नहीं कि हर समय आप बस वही चीज करते रहें प्रजनन प्रक्रिया तो ये भोग के बारे में नहीं है ये आनंद के बारे में नहीं है ये प्रेम के बारे में नहीं है ये बस एक मजबूरन आदत है अगर आप नहीं समझते कि आदतन मजबूरी एक गुलामी है तो आपके साथ क्या किया जाए आप नहीं समझते कि आदतन मजबूरी एक गुलामी है सिर्फ जागरूकता में ही हमारी मुक्ति है तो इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है बस उधर जाना ही नहीं है बस इतना ही इसमें छोड़ना क्या है क्या ये यहाँ हो रहा है नहीं ये मेरे सिर में हो रहा है देखिए आपका सिर इस तरह से है आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगे इसमें वही होगा आपके दिमाग की प्रकृति यही है आपको समझना चाहिए हर टेक्नोलॉजी हर सुविधा जो आपके पास आती है आप उसे अपनी बर्बादी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं अरे इसमें नुकसान क्या है सदगुरु नुकसान ये है आपकी माताएं आपकी बहनें और आपके पास की सारी महिलाएं आप उन्हें वस्तुओं में बदल रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी आप सभी ब्रह्मचारी बन जाएं और कहीं चले जाएं। नहीं ये कुछ विशेष लोगों के लिए है जिनकी ऐसा करने की क्षमता है लेकिन आपको अपना जीवन एक गरिमापूर्ण तरीके से जीना चाहिए इसमें गरिमा कहां है अश्लील फिल्मों में महिलाओं के लिए गरिमा कहां हेलो है? कहां है गरिमा तो आपको लगता है कि आधी जनसंख्या की धरती की आधी जनसंख्या की गरिमा छीन कर आपको कोई आनंद मिलेगा यह घिनौना है यह नैतिकता का मामला नहीं है यह मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है आप समझ रहे हैं? यह मनोरोग का मामला है तो ये नैतिकता नहीं है आप मनोरोगी बन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने दोस्तों के बीच कुछ भद्दा देख ही, ही 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 करते हैं तो यह मत सोचिए आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप सबसे बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हैं अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जो अश्लील फिल्म चल रही है उस महिला पर अपनी मां का चेहरा लगाकर देखिए मुझे लगता है आप समझ जाएंगे